अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद आराध्या और ऐश्वर्या बच्चन का भी कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, घर पे हुई सेल्फ क्वारंटीन। यूपी सरकार ने विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित किया आयोग। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य की छात्राओं को ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मिलेगा पासपोर्ट। यूपी में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर शनिवार और रविवार रहेगा लॉकडाउन। 14 जुलाई से नई गाइडलाइंस के साथ टूरिस्टों के लिए खुलेगा जम्मू कश्मीर। बेंगलुरु और हैदराबाद कोरोना मामले में बन सकते हैं नए हॉटस्पॉट। कोविड 19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला रशिया बना पहला देश। साल के अंत में होगा टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने की पुष्टि। चीन के साथ सीमा विवाद पर शरद पवार ने कहा, भारत के लिए चीन पाकिस्तान से बड़ा खतरा। राजस्थान में मंडरा रहा है राजनीतिक संकट, सत्तासीन कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी,